तो भाई अभी हम लोग पूरा बेल्ट वगैरह घड़ी वगैरह निकाल रहे हैं क्योंकि वहाँ मेटल डिटेक्टर लगा और यहाँ तो बेल्ट वगैरह घड़ी वगैरह पहनने के लिए तो नहीं जाने दे रहे हैं, मोबाइल भी रखने के लिए नहीं दे रहे हैं। बाकी मोबाइल वोबाइल छोड़ के जाऊँगा और वहाँ का एक्सपीरियंस आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ मतलब। तो दोस्तों जो मंदिर के अंदर तो मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है, तो जो मेरे जो अंदर मंदिर के जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं दोस्तों आपको सेपरेटली अलग से एक वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कि उस मंदिर के अंदर क्या क्या हुआ और क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे सारा चीज़। तो अभी फ़िलहाल हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं। तो भाई अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप लोग देख ही सकते हैं बहुत तेज धूप है, तेज भी अच्छा नहीं आ रहा है इतना तेज़। जगन्नाथ जी का एक्सपीरियंस मैं आपको दिखलाऊंगा, वहाँ तो मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं था। बाकी आपसे बात करता हूँ, चलो फ़ोन चार्ज होने के बाद यहाँ का मार्केट दिखलाता हूँ। ये देखो यहाँ का मार्केट है दोस्तों, धूप तो बहुत ज़ोरदार है। ये पूरा मार्केट है, पूरा मंदिर परिसर का ही पूरा भाग है, यहीं से मतलब एंट्री ले रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। और इधर पूरे पुलिस विभाग के लोग लगे हुए हैं, इधर मनपसंद माला वाला कुछ भी मतलब खरीद सकते हैं। कृष्णा मॉन्क हरे कृष्णा साधु गाइस, आप लोग देख सकते हैं। अरे यहाँ का जो ऑटो स्टैंड वगैरह है बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा कैंपस, जो स्टेशन के बाहर का ग्राउंड भी बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको पता ही है इतना बड़ा पूरी स्टेशन, इतना मतलब यहाँ बहुत कितना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है ये आपको तो पता ही होगा।
जगन्नाथ धाम के नाम से भी और पूरी बीच के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, इसलिए यहाँ का कैंपस वगैरह का बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया गया। और बाकी इधर बोर्ड वगैरह पूरा एडवर्टाइजिंग बोर्ड देख सकते हैं।